वैक्सीन लगाते ही व्यक्ति के हाथ और पैर सुन दिखाई नहीं दे रहा आंखों से। मध्य प्रदेश में 27 जून से कोविड टीकाकरण महाअभियान जारी है। ऐसे में आज महाअभियान के दूसरे चरण में कोवैक्सीन कोविशील्ड का प्रथम और दूसरा डोज लगाया जा रहा है। जी दरअसल इस समय प्रदेश सरकार महाअभियान के तहत प्रथम और दूसरा डोज लगवाने वालों को प्राथमिकता दे रही है। महावैक्सीनेशन अभियान के तहत पूरे प्रदेश में सिर्फ कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाया जा रहा है। ऐसे ही जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवारा में वैक्सीन का विशेष प्रथम शिविर का आयोजन किया गया था। कोविड 19 के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जिसमें 18 व 45 के अधिक उम्र का टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, वैसे ही ग्रामीण महेश उम्र 40 से 45 ग्राम नेवारा कुमार टोला के निवासी हैं, जो वैक्सीनेशन का अभियान 27 सितंबर के पंचायत सेंटर में टीका लगाया था, जिसके उपरांत 30 सितंबर को महेश के एक साइड से पैर और हाथ सुन आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारी अनुसार केंद्र में उपस्थित अधिकारियों द्वारा बिना मीटर के बीपी जांचे ही ग्रामीणों को टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण पीड़ित की बनी समस्या, जिसकी जानकारी नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किरनापुर में जाकर चर्चा की। वह उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र BMO डॉक्टर अखिलेश मराठे द्वारा उनकी स्वास्थ्य की जानकारी लेते हुए कहा कि बीपी 197 तक बढ़ने के कारण ब्लड ब्रेन में हो गया होगा, जिससे निमोराइड होने से परिस्थिति में मरीजों को चक्कर आना और आंखों में कमजोरी आ सकती है, जिसकी जांच करके उच्च चिकित्सालय भेजा जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र BMO डॉक्टर अखिलेश मराठे द्वारा कहा गया कि वैक्सीनेशन कारण न बनाए वैक्सीन संबंधित किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर करते हुए कोरोना संक्रमित से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को मीडिया के माध्यम से संदेश देते हुए आह्वान किया और कोरोना मुक्त बनाए जाने का संदेश दिया गया है। MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए किरनापुर से कैमरामैन विकेश मेश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भिमटे की रिपोर्ट। सर, ये नेवारे के जो ग्रामीण व्यक्ति आया था 27 तारीख को वैक्सीनेशन लगाया था सर, और अचानक उनको 30 तारीख को उन लोगों के आंखों में थोड़े रोशनी की कमजोरी आने लगी, और एक पैर और एक हाथ साइड एक साइड। ये जहाँ तक अभी तक पाया गया है किसी तरह से वैक्सीनेशन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पेशेंट को पहले से हाइपरटेंशन है, जैसा कि नापा गया हमारे जूनियर डॉक्टर के द्वारा 197/94 था। ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट था, जिसकी वजह से हो सकता है कि बीपी के बढ़ने की वजह से उसका कोई ब्लड का क्लॉट उसके सिर में गया होगा ब्रेन में, जिसकी वजह से निमोरेज हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में पेशेंट का चक्कर आना और आंखों में कमजोरी दिखाई देना हो सकता है, जिसकी जांच के लिए इसे हायर सेंटर में भेजाना जरूरी है, जिसके लिए उसे हमने यहाँ से बालाघाट में भिजवा दिया है। और उसकी CT स्कैन की रिपोर्ट के बाद में ही हम जवाब दे पाएंगे कि पेशेंट को ये ब्लरिंग ऑफ विजन और जो भी परेशानी हो रही है वो क्यों हो रही है। पूरी तरह से एक मतलब भ्रांतियाँ हैं कि लोगों के मन में कि भाई वैक्सीन लगने के बाद ऐसा हो रहा है। जहाँ तक मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस कहता है कि किसी तरह से वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है, और लोग इसको इस न्यूज़ के माध्यम से मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि वैक्सीन से संबंधित को इसका ना बनाएं और अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगाएं, ताकि कोरोना से हमारी मतलब जो जनता है उसको होने वाले कोरोना से उसे बचाया जा सके। ये किसी तरह से वैक्सीन से रिलेटेड साइड इफेक्ट नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये पेशेंट को पूरा पहले से हाइपरटेंशन रहा होगा, जिसकी वजह से उसे ऐसे लग रहा है। अपना नाम बताइए। महेश सनीचर। कहाँ रहते? कुमार टोला। क्या परेशानी हो गई आपको? परेशानी वही है, वैक्सीन लगाया हूँ मैं 27 तारीख को, 30 तारीख को मेरा अचानक एक हाथ एक पर सुन हुआ है। अच्छा, उसके बाद फिर 30 तारीख के बाद में फिर अपना ये आँख पाक साला दिखाई बंद हो गया है। मैंने 27 तारीख को आपने वैक्सीन लगाया और 30 तारीख को आपने आँखों और पैरों में सुन होने लगा और आँखों से दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, इस संबंध में डॉक्टर से आपने बात चर्चा की? तो अभी दिखाया जी वहाँ पे। कौन से डॉक्टर को? वो मेरे को उनका नाम मालूम नहीं है। अखिलेश साहब का नाम है डॉक्टर। अब उनने क्या है, बीपी चेक किए अभी। हाँ। बीपी बचा 197, बोले बीपी बढ़ गया आपका। हाँ।
उनने गोली वोली भी लिख के दिए हैं और फिर बालाघाट बूढ़ी हॉस्पिटल का पूरा पता भी दिए हैं कि आप जाओ बोले आपका हाथों में शुरू हुआ था, वहाँ एक्सरे वक्सरे भी सब हो जाएंगे आपके, ऐसा करके उनने फिर बताया। अच्छा, ऐसा कुछ पूछे नहीं किस संबंध में ऐसा हो गया है? हाँ नहीं, वैसा बताया ना वैक्सीन लगाने से हुआ है करके। वैक्सीन बताया ना, वैक्सीन लगाया हूँ 27। डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ बताया क्या? बोला नहीं, कुछ नहीं बताया उनने, बहुत जबरदस्त ये चिट्ठी बोले दवा आप खाओ आपका बीपी हाई हो गया। बीपी हाई हो गया पर आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, आंखों से मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को, मैं ये भी बताया मैं। इस संबंध में आपने पंचायत विभाग से चर्चा नहीं की? नहीं नहीं, चर्चा आंगनवाड़ी मैडम से नहीं, उनसे भी नहीं किया। मुझे यहाँ पति को बुलाने का गया, आशा कार्यकर्ता उनसे भी बात नहीं किया, ये इनको पकड़ के लाए बस। तो आज अभी हॉस्पिटल आए हो? हाँ। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि बालाघाट जाने के लिए बोल रहे हैं? हाँ। और आपके पास कोई सुविधा भी नहीं जाने के लिए? सुविधा नहीं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं वाहन वाहन के लिए? कुछ बोले कि नहीं है वाहन वाहन के लिए। अरे कुछ बोले नहीं क्या? बालाघाट बताया उन्होंने, बालाघाट जाओ करके बताया बस। चलो ठीक है।